तो टॉपिक का अब जो शुरू होगा वह टॉपिक होगा पी ब्लॉक में फॉस्फिन के गुण। तो फॉस्फिन के गुण के लिए एनसीईआरटी क्या सब लिखा है इसके बारे में पहले हम लिखेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या सब इम्पोर्टेंट याद करने का है, इससे क्या सब ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले लिखें फॉस्फिन के गुण, फॉस्फिन के गुण। पहला पॉइंट कहता है कि यह एक रंगहीन सरी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। दूसरा पॉइंट, यह HNO3 Cl2 तथा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती है तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह जल में आंशिक रूप से विलेय है। चौथा, pH 3 का जलीय विलयन pH 3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है।
पांचवा कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर संगत फॉस्फाइड प्राप्त होते हैं, CuSO4 प्लस PH3 Cu3P2 प्लस 3H2SO4। आवाज आ रही है? दूसरा HgCl2 प्लस PH3 प्रोडक्ट में बनेगा HG3P2 और प्लस HCl। एक लाइन और बचा है, छठा पॉइंट कि फॉस्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकीय है, तथा अम्लों के साथ फॉस्फोनियम यौगिक देती है। लिखेंगे रिएक्शन, PH3 प्लस HBr प्रोडक्ट में बनाएंगे PH4Br, ये NCERT इतना लिखा है फॉस्फीन के गुण में। तो केमिस्ट्री में प्रत्येक लाइन NCERT का इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार लिखेंगे उसके बाद, बहुत लोग तो अंडरलाइन कर करके 10 बार 20 बार करते हैं तब जाके उनको याद होता है। तो हम पूछेंगे अगले दिन कि बताइए कि फॉस्फीन के गुण में क्या सब पढ़ाए थे, तो बताइएगा आप। पहला पॉइंट कि यह एक रंगहीन होता है, यह क्या होता है तो रंगहीन। दूसरा कैसा गंध करता है, तो सरी मछली के समान गंध करता है। दूसरा और कैसा गैस है, तो अत्यंत विषैली गैस है। तीसरा, पहला बताएंगे आप यह एक रंगहीन है, दूसरा बताना है सरी मछली के समान गंध वाली है, और तीसरा बताना है अत्यंत विषैली गैस है।
पहला बताना है यह एक रंगहीन है, दूसरा बताना है सरी मछली के समान गंध वाली है, और तीसरा बताना है अत्यंत विषैली गैस है। अगला पॉइंट, अगला कहता है कि यह HNO3 पहला, दूसरा Cl2 और तीसरा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के, ये सभी ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित हो जाती है। हम पूछेंगे कि किसके कारण यह विस्फोटित हो जाती है, किसके कौन कौन ऑक्सीकारक के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा से भी विस्फोटित हो जाती है। पहला बोलेंगे HNO3, दूसरा बोलेंगे Cl2 और तीसरा बोलेंगे Br2। ऑक्सीकारकों के कारण यह अति सूक्ष्म मात्रा में विस्फोटित हो जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि यह जल में कैसा होता है, तो जल में आंशिक रूप से विलेय होता है। जल में कैसा विलेय होता है, तो जल में यह आंशिक रूप से विलेय होता है। उससे आगे का पॉइंट क्या है कि pH 3 का जलीय विलयन, pH 3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, तो विघटित हो जाता है। और कैसा फास्फोरस देता है, तो लाल फास्फोरस तथा और क्या देता है, तो H2 देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि pH 3 का जलीय विलयन किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति होता है तो विघटित हो जाता है। कैसा फास्फोरस देता है, तो लाल फास्फोरस देता है। फास्फोरस 4 प्रकार के पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं, जिसमें पढ़ाए हैं श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस जिसमें से अल्फा फास्फोरस और बीटा फास्फोरस। लेकिन pH 3 का जलीय विलयन जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। लाल फास्फोरस और साथ ही साथ H2 भी देता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि कौन सा फास्फोरस देगा pH 3 प्रकाश की उपस्थिति में। अगला टॉपिक है इसमें कि कॉपर सल्फेट की अगर बात की जाए, ये है कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, या दूसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड, दूसरा है यहां कौन, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड। दोनों जो है विलयन द्वारा अवशोषित करने पर, दोनों का अगर विलयन आपके पास है तो जब यह अवशोषण करेगा तब क्या बनाएगा, संगत फॉस्फाइड बनाएगा। फॉस्फाइड मतलब Cu3P2, यहाँ Cu3 है तो Cu3P2, और यहाँ HG3 है तो HG3P2, संगत फॉस्फाइड। यहाँ फॉस्फाइड कॉपर के साथ बनाया और यहाँ फॉस्फाइड HG के साथ बनाया, कॉपर के साथ फॉस्फाइड और मर्क्यूरी के साथ क्लोराइड। तो ये कंसेप्ट है इसमें कि कॉपर सल्फेट पहला, दूसरा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, इसके विलयन के साथ जब pH 3 का अवशोषण होगा तो संगत फॉस्फाइड बनेगा। संगत फॉस्फाइड का मतलब हो गया कि Cu3P2 का होल 2 और HG3P2 का होल 2, ये कंसेप्ट है। छठा पॉइंट है कि फॉस्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकीय है। आपसे पूछा जाएगा कि फॉस्फीन क्या कैसा है, क्षार में कैसा है, दुर्बल है कि स्ट्रोंग है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अगर है भी दुर्बल क्षारकीय तो वह किसके तरह है, तो वह है अमोनिया के तरह।
और यह अम्ल के साथ फॉस्फोनियम यौगिक बनाता है। फॉस्फोनियम यौगिक मतलब हो गया PH4Br, अम्ल का मतलब हो गया PH3+HBr के साथ अगर बनेगा तो यह बनेगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट लिखा है फॉस्फीन के गुण में, और इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको सबसे पहला अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो उसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि फॉस्फीन के गुण बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 5 नंबर का अगर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूछना है। 2 नंबर का रहेगा तब आप आधा भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि PH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर कैसा फास्फोरस देता है। ABCD में 4 प्रकार के फास्फोरस जो पढ़ाए हैं वो फास्फोरस लिख देगा तो उसमें आंसर होगा लाल फास्फोरस। ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीकारक के साथ अगर अति सूक्ष्म मात्रा में संपर्क में आने पर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें विस्फोट हो सकता है। कौन कौन ऑक्सीकारक का नाम इसमें दिया गया है, तो SNO3 का नाम दिया गया है, Cl2 का नाम दिया गया है और Br2 का नाम दिया गया। कितने मात्रा में, तो 80 सूक्ष्म मात्रा में। यह कैसा गैस है, तो विषैली गैस है। किसके गंध समान दिखता है, तो सरी मछली की तरह गंध होता है। यह कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। रिएक्शंस में पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड, दो चीज अगर आपके पास है कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, अगर दोनों के साथ यह फॉस्फीन अगर मिलता है तो क्या बनाएगा, तो यहाँ Cu3P2 बनाएगा और इसके साथ ही सल्फेट अलग हो जाएगा और इसके साथ Cl2 अलग हो जाएगा। तो इसमें तो HCl के साथ अलग हो जाएगा और इसमें H2SO4 बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो अभी हम मिटाते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे कि बताइए कि फॉस्फीन का गुण कैसा होता है। तो क्या बोलेंगे आप, यह कैसा होता है, पहला यह कैसा होता है, रंगहीन होता है, किसके समान गंध वाला होता है, मछली के समान अत्यंत गंध वाला होता है, या कैसा गैस होता है, विषैली गैस होता है। वेरी गुड। दूसरा, यह ऑक्सीकारक में किसका किसका नाम आ रहा है, इसमें पहला HNO3, दूसरा Cl2 और तीसरा Br2। वेरी गुड। और ये ऑक्सीकारक के वाष्पों की कितनी मात्रा की बारे में कह रहा है, अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में संपर्क आने पर क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। जल में यह कितना घुलनशील है, आंशिक रूप से, मतलब कम मात्रा में घुलनशील है। चौथा पॉइंट, PH3 का जलीय विलयन जो है प्रकाश किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। विघटित होने पर कौन सा फास्फोरस मिलेगा, लाल फास्फोरस के साथ ही साथ और क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। वेरी गुड। उसके बाद कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड दोनों के विलयन को क्या करेगा, यह अवशोषण करने के बाद कौन सा फॉस्फाइड बनेगा, संगत फॉस्फाइड बनेगा। तो पहला इसमें आएगा CuSO4 और दूसरा आएगा HgCl2। दोनों के साथ PH3 का रिएक्शन होगा, पहला वाला में बनेगा Cu3P2 और दूसरा वाला में बनेगा HG3P2। यही ना, पहला वाला में बनेगा H2SO4 सल्फेट के साथ और दूसरा वाला में बनेगा HCl।
अंतिम पॉइंट है फॉस्फीन किसके तरह दुर्बल क्षार है, तो अमोनिया के तरह दुर्बल क्षार की है यह, और यह अम्लों के साथ कौन सा यौगिक बनाएगा, तो फॉस्फोनियम यौगिक बनाएगा। जैसे पीएच थ्री और प्लस क्या होगा एच बी आर, तो क्या बना देगा पीएच फोर बी आर। तो ये था फॉस्फीन के गुण, फॉस्फीन के गुण। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फॉस्फीन के गुण बताइए, तो पहला बताना है आपको कि फॉस्फीन के गुण में यह रंगहीन होता है, यह क्या होता है रंगहीन। दूसरा यह सरी मछली के समान गंध करता है। दूसरा क्या बताइएगा, यह सरी मछली के गंध जैसा करता है। तीसरा यह विषैला होता है, यह कैसा होता है विषैला होता है। तो ये पॉइंट हो गया इससे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अगर ऑक्सीकारक होगा तो पहला ऑक्सीकारक का नाम है HNO3, दूसरा का नाम है Cl2 और तीसरा का नाम है Br2। तीन प्रकार के ऑक्सीकारक का नाम दिया है। इस तीनों में अगर ऑक्सीकारक के सूक्ष्म मात्रा का भी अगर उसमें मिलन होगा तो यह विस्फोटित हो जाता है। पहला HNO3, दूसरा Cl2 और तीसरा Br2 ऑक्सीकारक के अगर अति सूक्ष्म मात्रा भी मिल जाता है तो यह विस्फोटित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह जो है जल में क्या होता है, तो आंशिक रूप से विलेय है। यह जल में क्या है, तो यह जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ क्या होता है, यह विघटित हो जाता है। कैसे विघटित होता है, हाँ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। अगर पूछा जाएगा कि कैसे विघटित होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। और क्या सब देता है, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट देता है। पहला क्या देता है और दूसरा क्या देता है, पहला देता है लाल फास्फोरस और दूसरा देता है हाइड्रोजन। पहला देता है, चार प्रकार के फास्फोरस रहेंगे जिसमें पहला लाल फास्फोरस और दूसरा H2 के रूप में देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके साथ रिएक्शन करता है यह, कॉपर सल्फेट और दूसरा मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ। पहला HgCl2 और दूसरा CuSO4, लेकिन NCERT पहले CuSO4 को लिखा है उसके बाद HgCl2 को लिखा है। दोनों के साथ हम PH3 का रिएक्शन कराएंगे। दोनों का रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलेगा पहला Cu3P2 क्यूप्रिक फॉस्फाइड, पहला कॉपर से संबंधित फॉस्फाइड मिलेगा और दूसरा मिलेगा हमारा मर्क्यूरस से फॉस्फाइड Hg3P2 मिलेगा। कॉपर वाला में हमें दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा H2SO4 मिलेगा और Hg वाला में क्या मिलेगा हमें HCl मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन ही दूसरा बचेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट वाला जो है टॉपिक उसमें क्या पढ़ाए हैं, हाँ यह जो है अमोनिया के तरह, अमोनिया एक दुर्बल क्षार है और PH3 को भी उसी कैटेगरी में रखा है। PH3 भी अमोनिया के तरह दुर्बल क्षार है और यह अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करता है, जैसे कि HBr के साथ अगर रिएक्शन करेगा, तो यह बनाएगा PH4Br, जैसे
PH3 और प्लस HBr प्रोडक्ट बनाएगा PH4Br। तो गुण आप समझ गए कि फॉस्फिन के गुण अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको शुरू से लास्ट तक दो बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको जाकर फॉस्फिन के गुण याद हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा फॉस्फिन से संबंधित और सब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, फॉस्फिन के उपयोग, तो इसको भी हम तुरंत डिस्कस करते हैं। यह दो तीन पॉइंट का है, इसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद हो जाए फॉस्फिन शुरू से लेकर लास्ट तक।